अचानक व्लादिमीर पुतिन को रूस की सत्ता से हटाने का दावा ठोकने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अब बैकफुट पर आ गए हैं। वैगनर ग्रुप और रूस के बीच समझौता हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको वैगनर ग्रुप और रूस के बीच समझौता कराने में कामयाब रहे, जिसके बाद प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया है। अब प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों में लौट रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते दिन ये प्राइवेट आर्मी रोस्तोव शहर पर कब्जे के बाद मॉस्को शहर की ओर बढ़ रही थी। प्रिगोजिन ने तब कहा था, हम मरने से नहीं डरते। उन्होंने दावा किया था कि वैगनर लड़ाकों ने रूसी सेना के कई हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया था। वहीं वैगनर की बगावत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने वैगनर और प्रिगोजिन को गद्दार बताया था। पुतिन ने कहा था कि वैगनर ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे साथ ये विश्वासघात हुआ है, जो कोई भी विद्रोह करेगा उसे दंडित किया जाएगा। वहीं रूस के अंदर थोड़ी देर के लिए पनपे विवाद पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। रूस के विवाद पर भारतीय रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का भी बड़ा बयान सामने आया है। सहगल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में दुनिया ने जबरदस्त साइको ड्रामा देखा। रूस के खिलाफ बगावत करते हुए वैगनर ग्रुप चीफ ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पिछले 24 घंटे में दुनिया ने एक बहुत जबरदस्त साइको ड्रामा देखा रशिया के अंदर, जो पुतिन के सबसे करीबी वैगनर ग्रुप के चीफ थे, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है रशिया के लिए यूक्रेन के अंदर, उन्होंने बगावत कर दी और साफ तौर पे कहा कि रशिया को एक नए प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। मुख्य वजह थी कि उन्होंने कहा कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो निकम्मे हैं और इनकॉम्पिटेंट है टू परस्यू द वॉर। लेकिन 24 घंटे के बाद में उन्होंने अपने ट्रुप्स को कहा, आप विड्रॉ कर लीजिए और वापस अपने कैंप्स में चले जाइए। ये कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं ब्लडशेड को अवॉइड करने के लिए, लेकिन जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनकी इंटरवेंशन से समझौता हुआ है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ वैगनर चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि वैगनर ग्रुप सैनिकों का एक निजी संगठन है। 2014 से पहले ये गुप्त संगठन था, जो ज्यादातर यूक्रेन, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सक्रिय था। इसमें ज्यादातर रूस की एलीट रेजिमेंट और स्पेशल फोर्सेस के दिग्गज हैं। ग्रुप में 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। इसकी शुरुआत रूसी सेना के पूर्व अधिकारी दिमित्री उत्किन ने की थी। वैगनर ग्रुप ने 2014 में अपने पहले अभियान में क्रीमिया पर कब्जा करने में रूस की मदद की थी। बहरहाल रूस में अब स्थिति नॉर्मल हो गई है और राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में बने रहे। बहरहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देशों विदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।